आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दो दिनों से बारिश जबरदस्त हो रही है, शनिवार 20 जुलाई और रविवार 21 जुलाई को जिस कदर बारिश हुई है, अंग्रेजी में कहा जाए कि एक कहावत है, इट्स रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। इतनी जबरदस्त बारिश शायद ही पिछले एक आध दशक में सिवनी के निवासियों ने देखी हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। मौसम का पूर्वानुमान सोमवार 22 जुलाई और मंगलवार 23 जुलाई को किस तरह का रह सकता है, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं रात 12 बजे के लगभग। वैसे अभी 21 जून रविवार को जबरदस्त झमाझम बारिश हुई है, रात 12 बजे के बात करना जा रहा हम आपको दिखाते हैं। 12 बजे रात के उपरांत जिले भर में कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं, पूरी रात बारिश हो सकती है। सुबह 5 बजे थोड़ा सा बारिश का वेग कम हो सकता है, थम सकती है बारिश, पर बूंदाबांदी लगातार जारी रह सकती है। 8 बजे के लगभग एक बार फिर बारिश का दौर जारी हो सकता है, जो बारिश लगभग 1 बजे के बाद दिन में 1 बजे के उपरांत जिले भर में जबरदस्त बारिश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौसम विभाग के सूत्रों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सोमवार 22 जुलाई को दिन में भी बारिश हो सकती है। लगातार दो दिनों से जो बारिश हो रही है वो सोमवार को भी जारी रहने की उम्मीद, पूरा दिन बारिश होने की उम्मीद, रात 10-11 बजे के बाद बारिश का वेग एकदम एक बार फिर बढ़ने की उम्मीद सूत्रों के द्वारा बताई गई है। मंगलवार 23 जुलाई को सुबह सवेरे 4 बजे के बाद फिर बारिश एक बार जोर पकड़ सकती है, जो पूरा दिन 23 तारीख को भी पूरे दिन बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जताई गई है। जबरदस्त बारिश के योग बनते दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। बिजली की कड़कन तड़कन आप लगातार दो दिनों से सुन रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जो पूर्वानुमान दिया गया था वो लगभग सटीक साबित होता आया है। अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं। रविवार को आप लगातार बिजली की कड़कन तड़कन सुनते आ रहे होंगे, रात 12 बजे भी बिजली की कड़कन तड़कन आपको सुनाई दे सकती है, कुछ देर के बाद थम सकता है ये बिजली का कड़कने का सिलसिला, और सुबह 7 बजे के बाद एक बार फिर बिजली की कड़कन तड़कन आपको सुनाई दे सकती है, कुछ देर बाद बिजली चमक सकती है। दिन में 1 बजे सिवनी कानीवाड़ा, यहाँ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, जबरदस्त तरीके से बिजली की कड़कन तड़कन आपको सुनाई दे सकती है। सोमवार लगभग 1 बजे के दिन की एक दिन के लगभग और 1 बजे से 3 बजे के बीच में बिजली काफ़ी हद तक गरज सुनाई दे सकती है, और उसके बाद बिजली चमकती हुई आपको दिखाई दे सकती है। 8 बजे के लगभग जिस तरह आपने रविवार को 7-8 बजे के लगभग बिजली की कड़कन तड़कन सुनी होगी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको सुनाई दे सकती है। और 11 बजे रात को कहानी, केवलारी, घनसौर इन क्षेत्रों में बिजली थोड़ा सा ज़्यादा गरजना आपको सुनाई दे सकती है, जो यहाँ निवास करते होंगे उनको सुनाई दे सकती है। 23 जुलाई को भी रात में बिजली चमक सकती है, और सुबह 5 बजे के लगभग एक बार फिर गर्जना बहुत तेज सुनाई दे सकती है। सुबह 8 बजे के लगभग गर्जना सुनाई देने की संकेत दिए हैं। ये कहा जाए कि पूरा दिन बिजली की गर्जना और चमक सुनाई और दिखाई दे सकती है। रात 8 बजे 23 तारीख की रात 8 बजे लखनऊ, धुमा, कहानी, केवलारी इन क्षेत्रों में थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। रात 12 बजे तक बिजली की कड़कन तड़कन जारी रह सकती है। 22 और 23 तारीख को बारिश भी हो सकती है, बिजली की गरज और चमक भी सुनाई और दिखाई दे सकती है। अब हम आपको इसके उपरांत बादलों की क्या स्थिति रह सकती है, आवाजाही बनी रह सकती है, इसके बारे में बताते हैं। 21 और 22 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग बादलों से लगभग पूरी तरह घिरा रह सकता है सिवनी जिला, और लगातार ही बादलों की आवाजाही बने रहने के संकेत मौसम विभाग के सूत्रों ने दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा बारिश के समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जहां
पुल रपटे के ऊपर पानी हो, पुल पार करने का प्रयास कतई ना करें। आपका घर पर लोग इंतजार कर रहे हैं, इस बात को दिमाग में दिल में बिठाल कर रखें। ये स्थिति अभी हमने आपको दिखाई, अब इसके बाद हम आपको हवाओं की दिशा और गति, पहले हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं, तापमान दो दिन में किस तरह का रह सकता है। 21 और 22 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पूरे जिले में रहने की उम्मीद। 22 जुलाई को सुबह 5 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, अर्थात बारिश के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है उमस के कम होने की। सुबह 11 बजे के लगभग 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 3 बजे दिन में तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद, मौसम विभाग के सूत्रों ने बताई है। 7 बजे शाम को तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद, मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। रात 12 बजे के लगभग 22 और 23 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। सुबह सवेरे 5 बजे 24 से 25 उमस बरकरार रह सकती है। बारिश होने के बाद भी 12 बजे 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 4 बजे शाम को मंगलवार 23 जुलाई को 4 बजे शाम को 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 8 बजे रात को तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात 12 बजे 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। अब हम आपको हवाओं की गति और दिशा के बारे में बताते हैं। 21 और 22 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हवाएं बिल्कुल थमी हुई नज़र आती हुई आपको प्रतीत होंगी। रात में भी हवाएं थमी ही प्रतीत होंगी। हवाओं की दिशा पूर्वोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर होने की उम्मीद, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर रहने की उम्मीद। और 12 बजे के लगभग 23 तारीख को 12 बजे के लगभग हल्की फुल्की हवाएं चलने की उम्मीद। 1 बजे के बाद हवाओं में थोड़ी सी गति आ सकती है। 1 बजे के उपरांत शाम 6 बजे के लगभग हवाएं थोड़ी सी तेज चल सकती है, बहुत ज़्यादा तेज चलने की उम्मीद नहीं, पर हवाएं हल्की फुल्की तेज चल सकती हैं। सोमवार को तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने की उम्मीद नहीं, मंगलवार को हल्की फुल्की तेज़ हवाएं दिन भर चलने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जताई गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में मौसम के अपडेट अन्य खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, दो दिन का मौसम का आने वाले दो दिनों का पूर्वानुमान लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।